मैं वार वार बेनती करना चाहना कि 26 जनवरी सिखां दे लई ब्लैक डे है, क्योंकि इस संविधान के अंदर सिख नूं सिख नहीं मन्या गया, सिख नूं केसाधारी हिंदू कहा गया। इत्थे मीडिया रौला पाउणा नहीं हटदा, उत्थे सिख प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री सिख किदां बन गया, उत्थे सिख ही है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जिहड़ा संविधान सिखां नूं सिख नहीं मनदा, सिखां नूं संविधान दे तौर ते भी हिंदू बनाया जा रहा, कुट मार के हिंदू बनाया जा रहा। गुरु साहब ने सिख बनाया सी जिस दे अंदर जरत होवे, जिस दे अंदर गल करन दी जरत होवे, आजादी नाल रहण दी तमन्ना होवे, आजादी दीआं गल्लां करन दी तमन्ना होवे, उस नूं सिख कहा जांदा, ना कि उस गुलाम आदमी नूं जिहड़ा गुलामी दी तरह इन्हां मुल्कां दे विच। मैं जदों नवां आया सी मैनूं किसे ने पता लग्गा कि शब्द बोलदे आ पैकी, तो बहुते लोग अज भी बहुते मैं भी उदो यही समझता सी, बहुत गिणती अज भी समझा कि पता नहीं पाकी कहिंदे आ पाकिस्तानी कहिंदे आ, वह पाकी नहीं कहिंदे, वह पैकी कहिंदे आ, पैकी मतलब के कुली, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया दे विच वर्ल्ड दे विच मशहूर सी कि हिंदुस्तानी जिहड़े गोरियां दे कुली है। जदों गोरियां दा राज हिंदू पूरी दुनिया विच होया करदा सी तां उहनां दीआं चप्पलियां झाड़न वाले ते जुत्तियां ते लीरां मारन वाले लोग हिंदुस्तानी हुंदे सी, अज भी इह लोक पैकी ने। ते तुसी ए पैकियां दे भरा बनना चाहुंदे आ तां तुहाडी खुशी, पर अगर गुरु गोबिंद सिंह अपने गुरु दे बच्चे उस मर्द अगमड़े दे बच्चे सिख नेशन उस कौम दे विच्चों अपने आप नूं मैंबर और अपने देश अपने उस सिख नेशन दे देश की गल करना चाहुंदे आ, इह उह देश है हिंदुस्तान जिस ने सिख नेशन दे उपर अटैक कीता, जिस ने 1984 दे विच सिखां नूं इह दस दित्ता कि तुसी गुलाम है, अगर तुहाडे विच जुरत है, अगर तुहाडे विच तुहाडे गुरु की पावर है और अगर तुहानूं अपने गुरु ते भरोसा है तो अपना देश लैके देखो। सानूं जरूर अपने गुरु ते भरोसा है, सानूं जरूर अपना देश लैना पऊगा, क्योंकि 1984 सिख जेनोसाइड दे टाइम कल्ले दिल्ली दे विच 500 गुरद्वारा साहब नूं टैटेरी कर दिता गया, जिथे अज भी रूड़ियां लगियां होईयां ने। एक गुरद्वारा साहिबान दे अंदर अगर 2 गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप भी होए ਤਾਂ 1000 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੇਟ ਵਿੱਚ। ਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਰੋਮ US ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 26 ਜਨਵਰੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਬਲੈਕ ਡੇ।
ਖੁਸ਼ੀ।